Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. सोनभद्र जाने से रोके जाने पर धरने पर बैठी प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। 24 घंटे की जद्दोजहद के बाद आखिरकार शनिवार को प्रियंका गांधी को पीड़ित परिजनों से मिलने का मौका दिया गया। बीते शुक्रवार प्रियंका गांधी जब बनारस से सोनभद्र जा रही थी तो उनको मिर्ज़ापुर में हिरासत में ले लिया गया और वहाँ से उनको चुनार गेस्ट हाउस में ले जाया गया। उस गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गईं और कहा जब तक उन्हें पीड़ित परिवारों से नहीं मिलवाया जाएगा वह यहां से नहीं जाएंगी। शुक्रवार रात को गेस्ट हाउस की बिजली भी काट दी गई लेकिन प्रियंका गांधी फिर भी डटी रहीं। शनिवार की सुबह प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवारों से मिलने की दोबारा कोशिश की लेकिन गेस्ट हाउस के बाहर उनको जाने नहीं दिया गया। ऐसे में मामला बढ़ते देख कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी दूसरे दूसरे शहरों से सोनभद्र पहुंचने लगे। उनको बनारस एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। जब योगी सरकार की इस मामले में किरकिरी हुई तो आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। शनिवार दोपहर को प्रियंका गांधी की पीड़ित परिजनों से मुलाकात कराई गई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से सभी पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की भी कोशिश करेगी। प्रियंका गांधी के इस प्रयास ने यूपी कांग्रेस में भी नई जान फूंक दी है। वही यूपी कांग्रेस जो अभी हाल के चुनाव में मात्र एक सीट पर सिमट गई थी वह पिछले 24 घंटे में एक नए जोश में दिख रही है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि यूपी में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस सपा बसपा से फिलहाल आगे निकलती नज़र आ रही है। प्रियंका गांधी के इस धरने ने कांग्रेसियों में एक नया जोश भी भर दिया है। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।